श्योमी अब कॉपी ही कर सकता है खुद से तो कुछ होता नहीं नहीं आप भाई थोड़ा गलत समझ लिए मैं आ रे मी यूए ट्वेल्व का कंट्रोल सेंटर आईओएस से कॉपी किया अब पावर ऑफ मेन्यू रियल से <laughs> दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यार थोड़ा सा मजाक किया है प्लीज बुरा मत मानिएगा और यार आप सभी ने कमाल कर दिया आपने हमारी मी थर्टीन वीडियो को थ्री थाउजेंड से भी ज्यादा लाइक्स दिए तो यार बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि आपको मी यू 13 का पावर ऑफ मेन्यू कैसा लगा और आप शोमी का कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं तो दोस्तों अब कॉपी की बात करें तो यार बहुत सारे फीचर जो है वो रियलमी के डिवाइसेस में है जो मी वाई से कॉपी हुए हैं तो यार ये कुछ तो चलता ही रहता है पर दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज है वो ये है कि मी यू एर्टीन अंडर डेवलपमेंट है क्योंकि चाइना की ऑफिशियल साइट पे भी ये कंफर्म्ड कर दिया गया है तो दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मी यू ए थर्टीन जो है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट में है तो यार आप सभी के बहुत सारे कॉमेंट आए बहुत सारा सपोर्ट मिला तो दोस्तों यहाँ पर एक पावर ऑफ मेन्यू जो है वो लीक हुआ है मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मेरे को यार इसके बारे में बताया कि आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो यार जब मैंने थोड़ा बहुत और देखा तो इसके डेवलपर एंड एक और वीडियो के बारे में पता चला जो ऑलरेडी बन चुकी है तो दोस्तों उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पर दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के लिए आपका फोन जो है वो रूटेड होना चाहिए क्योंकि अभी यार ये ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है तो आप इसे जो है वैसे ही इंस्टॉल नहीं कर सकते ये एक सिस्टम फाइल है तो दोस्तों अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो आप इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं तो यह सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं तो यार वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक like देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यार ये ऑफिशियल मी यू एलेवन एंड मी यू ए ट्वेल्व में काम करता है बस आपका फोन जो है वो रूटेड होना चाहिए तो हम हमें कुछ इस प्रकार का मी यू इलेवन में मेन्यू देखने को मिलता है मी यू ट्वेल्व में भी पावर ऑफ मेन्यू बस आपको एक फाइल चाहिए और आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए फाइल आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आपने सिंपली जो है वो मैजिस्क मैनेजर में जाना है और यहाँ पर साइड में जाने के बाद आपने एड में जाना है एड मॉड्यूल तो यहाँ पर प्लस पे दबा कर ये जहाँ पर भी आपने ये फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है ये अपने आप पिक कर लेता है तो यहाँ पर आपने सिंपली टैप करना है एंड इंस्टॉल कर देना है यहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है या दस सेकेंड भी नहीं लगते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपने जो है उसके बाद रीबूट डिवाइस कर देना है आपका फ़ोन जो है वो रीबूट होगा ट्वेंटी फाइव सेकेंड के बाद कुछ इतना ही टाइम लगता है और जब आपका फ़ोन जो है वो बूट होगा तो सिंपली वही होम स्क्रीन में जाएगा कुछ डेटा डूटा कुछ आपका जो है वो डिलीट नहीं होगा तो अब आपको यहाँ पर मी यू का लीकड पावर ऑफ मेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं रीबूट पावर ऑफ साइलेंट तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने साइलेंट किया है तो ये साइलेंट हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यार ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं अब कितनी ऑप्शन हमें ऑफिशियल देखने को मिलेंगी ये तो नहीं पता पर अभी हमें ये सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं तो यहाँ पर मैंने फ़ोन को रीबूट किया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी तो यार मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में